हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। और आप देख रहे हैं एस एडिट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस, आज हम इस फोटो के ऊपर एडिटिंग करने वाले हैं, तो गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। गाइज हमने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, एंड यहाँ से हम अपना मतलब मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। तो गाइज मैंने मॉडल का पीएनजी पहले निकाल रखा है उसके बैकग्राउंड में, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइज अगर आपको अभी तक बैकग्राउंड रेस नहीं करना आता होगा, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देखिए और ईजिली बैकग्राउंड रेस करना सीख जाइए। तो गाइज हम यहाँ से करेंगे इसे ड्रॉ टूल में जाएंगे। ओके गाइज, आपको गाइज यहाँ एक लेयर ले लेनी है, एंड गाइज यहाँ से ऐड फोटो में आना है। गाइज ये बारिश का पीएनजी है, रेन का, इसे आपको ऐड करना है यहाँ पे इस जगह पर, इस तरह ऐड कर दें। एंड यहाँ से दोबारा आए, वही वाला पीएनजी आपको ऐड करना है। ओके गाइज, नीचे की तरफ वही पीएनजी ऐड करना है। ओके गाइज, एंड यहाँ से आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, जिसमें आप अपना मॉडल लेकर आएंगे। तो गाइज यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे, ओके गाइज ऐड फोटो में जाके हम गाइज अपना मॉडल ले लेते हैं। मॉडल को यहाँ प्लस करेंगे यहाँ पे, एंड इस जगह पर खड़ा कर देते हैं। ओके गाइज, इस जगह पर खड़ा कर देते हैं, एंड यहाँ पे अब आपको एक और एम्प्टी लेयर ले लेनी है। एंड गाइस इसमें आपको ब्रश में जाना है, ब्रश की आपको ओपेसिटी एंड हार्डनेस अपने हिसाब से रख लेनी है, सेट कर लेनी है। एंड यहाँ से हम थोड़ी ओपेसिटी को यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, एंड यहाँ से हम बंद करेंगे थोड़ा सा। एंड गाइस यहाँ से शूज़ के नीचे आपको डाल देनी है थोड़ी थोड़ी। एंड गाइस यहाँ से आपको यहाँ आना है, एंड इसकी ओपेसिटी आपको कम करनी है, एंड इसे नीचे की तरफ कर देना है आपको, इधर की तरफ। ओके गाइज, एंड अब आपको क्या करना है, एंड यहाँ से ब्रश पे जाके इसे यहाँ से ब्रश मार देते हैं, यहाँ पे आ गया था। एंड यहाँ ब्रश में आएंगे, ब्रश की ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इधर को डाल देंगे। ओके गाइज, एंड यहाँ से अब आप यहाँ से उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ओके, एंड अब आपको यहाँ से एक और एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एम्प्टी लेयर ले लेनी है आपको। एंड गाइज यहाँ से आपको एक एम्ब्रेला का पीएनजी उसे ऐड कर लेना है आपको, एम्ब्रेला का। तो इस एम्ब्रेला का पीएनजी आपको यहाँ ऐड कर लेना है, ये वाला, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना एम्ब्रेला, मतलब जितने भी स्टॉक में यहाँ यूज़ करूँगा ना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। गाइस यहाँ थ्री डॉट पर जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड गाइज इसे इस जगह पर सेट करना है आपको। एंड गाइज आपको लेयर पे जाके इरेजर पे जाना है, गाइज यहाँ इरेजर पे आएंगे आपको। गाइज ये जो हैंड के ऊपर जो आप पार्ट आ रहा है ना, आपको इसे यहाँ से इरेज कर देना है, नीचे की तरफ को आपको इरेज कर। एंड गाइज यहाँ से हमारा फोटो बिल्कुल हो चुका है, तैयार हो चुका है एकदम। एंड गाइज यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके गाइज, गाइज एक पीएनजी और ऐड करना है आपको, यहाँ पे आपको ऐड फोटो में जाना है, एक स्मोक का पीएनजी है गाइज, उसे आपको ऐड कर लेना है, ये वाला। एंड गाइज यहाँ से आपको स्क्रीन करना है, एंड इसे नीचे की तरफ आपको डाल देना है ऐसे। एंड गाइज हमारा फोटो हो चुका है पिक्सआर्ट में एकदम रेडी,
एंड गाइस अब हमें जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इसे थोड़ा सा रिटच करने के लिए। तो गाइस रिटच जो होने वाला है ना गाइस काफ़ी बढ़िया होने वाला है, तो गाइस वीडियो को देखना ज़रूर। तो गाइस हम यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे, सेव से थ्री डॉट पर जाके सेव इमेज कर देंगे। एंड गाइस ये सेव हो चुका है, चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पर जाके इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना है, एंड कॉन्ट्रास्ट अभी नहीं छेड़ना, हाईलाइट्स को बढ़ाना है, शेडो को कम करना है, वाइट्स ब्लैक्स दोनों को कम कर देना है आपको। एंड गाइस ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइट को भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम नहीं रखेंगे। एंड गाइस अब आपका जो है टेम्परेचर टूल में, इसके टेम्परेचर आपको माइनस में रख लेना है, हो जाओ माइनस 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 टू में रख लेना है आपको। एंड सेचुरेशन थोड़ी बढ़ानी है, एंड वाइब्रेंस थोड़ी बढ़ानी है। एंड गाइस यहाँ से आपको आ जाना है मिक्स टूल में, मिक्स टूल में आपको गाइस क्या करना है, इसकी सेचुरेशन मतलब व्यू को थोड़ा सा इधर रखना है। एंड गाइस यहाँ पे आके इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी लुमिनेंस बढ़ा देनी है, यहाँ पे इसकी सेचुरेशन कम करनी है, ये भी सेचुरेशन कम कर दें आप, इसकी भी कर दें। एंड गाइस इसकी भी सेचुरेशन आपको कम कर देनी है। एंड गाइस यहाँ से आपको डन कर देना है। एंड गाइस अब आपको आ जाना है क्लैरिटी टूल में, एंड इसकी क्लैरिटी को इंक्रीज करना है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है फोटो के अंदर, तो इस ब्लैक एंड वाइट टोन आएगी हमारे फोटो के अंदर। एंड गाइस अब आपको आ जाना है शार्पनिंग के टूल में, एंड इसमें शार्पनिंग को थोड़ी सी इंक्रीज़ करना है, नॉइस रिडक्शन को आपको इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, शार्पनिंग थोड़ी कम कर देते हैं। एंड कलर्स नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ करना है, स्मूथनेस को आपको इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस अब आपको लाइट वाले ऑप्शन पर आना है दोबारा। तो गाइस हमने कॉन्ट्रास्ट को अभी नहीं छेड़ा ना, तो गाइस आप कॉन्ट्रास्ट जब छेड़ा करो तो उसे लास्ट में छेड़ा करो। एंड गाइस आपको इसका कॉन्ट्रास्ट को यहाँ इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा, जिससे हमारे फ़ोटो में एक चमक आती है। एंड गाइस हमारी फ़ोटो हो चुकी है पूरी एकदम फुल HD में एडिट। तो गाइस मैं बता दूं कि गाइस ये आपको पिक्सआर्ट में पिक कुछ कैसी थी एंड अब कैसी लाइटरूम में आके, तो गाइस ये आप सब देख सकते हैं गाइस, पिक्सआर्ट में कुछ ऐसी थी पिक जो कि काफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, फेक लग रही थी, एंड ये अब रियल लग रही है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। एंड गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हैं काफ़ी अंतर आया है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड नीचे कमेंट बॉक्स बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।